पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। पधारी है महारानी साहिबा, पधारी। आज फिर आपके आगमन से दत्या जी प्रजा प्रफुल्लित हो बैठी। अपनी प्रजा द्वारा आपका ये भव्य स्वागत देखकर मैं स्तब्ध रह गया। ऐसा आवाज होने लगा है कि पूरा क्रिया स्थल झांसीमयी हो गया। विश्वास कीजिएगा महारानी साहिबा, हमारी प्रजा भी आपके अदम्य साहस के सामने नतमस्तक। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है दत्या नरेश, परंतु सत्य तो ये है कि हम ही क्या, यदि कोई भी इस संसार में स्नेह बांटेगा तो उसे बदले में स्नेह ही मिलेगा। आप केवल युद्ध एवं क्रीड़ा कौशल में ही नहीं, वाक कौशल में भी पारंगत। यदि मनुष्य अपने अहं के पत्थर को हटाकर अपने हृदय के बंद द्वार को खोल दे तो न केवल अपने जीवन के हर क्षेत्र में पारंगत हो सकता है, बल्कि संसार से शत्रुता को हमेशा हमेशा के लिए मिटा भी सकता है। सत्य कहा आपने, आपके इन्हीं विचारों से हम सब आपके प्रशंसक। और महारानी साहिबा, इस बार फिर आपके यहाँ आ जाने से हम सभी को इस बात का एहसास है कि कोई भी प्रतियोगी आपके सामने टिक नहीं सकेगा। हमें तो पूर्ण विश्वास है इस बार भी ध्वज प्रतियोगिता में झांसी का पताका ही लहराएगा। सब इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं या खेल खत्म होने से पहले ही करारी हार खाने वाले को विजयी घोषित करने आए हैं? क्षमा कीजिए ओरछा महारानी, पिछले 9 वर्षों से आज तक इस ध्वज खेल में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को कोई परास्त नहीं कर पाया। वह इसलिए क्योंकि आज तक ऊंट ने पहाड़ नहीं देखा था।
खेल भावना से ही खेलिए। हम सबके शत्रु ये फिरंगी है, हमें एक साथ मिलकर इन्हें उनसे मुकाबले के लिए हम सक्षम हैं। विश्वासघाती निवलकर वंश से हाथ मिलाने से पहले हम अपने हाथ न काट लें। किसी वंश ने झांसी को ओरछा से अलग किया और स्वयं को झांसी का नरेश घोषित कर दिया। ऐसे आप झांसी के साथ प्रतिशोध नहीं, तिरंगों की कामना पूर्ति कर रही है महारानी साहिब। लगा देंगे हम उसे, किंतु एक शर्त है, हमारी झांसी हमें वापस लौटा दो। हमारी झांसी हमें वापस लौटा दो। हे देवा, ये आपके बोल नहीं, इन तिरंगों के बोल हैं। वो तो यही चाहते हैं कि हम आपस में लड़ मर जाएं। कानूनी व्यवस्था का हवाला देकर पूना सतारा के साथ साथ झांसी भी हड़प लेना चाहते हैं। हम पर विश्वास कीजिए महारानी साहिब, उनकी बुरी दृष्टि केवल हमारी झांसी पर ही नहीं, आपकी ओरछा पर भी है। समझ गया क्या कहना है? जाओ। ये क्या युवराज, आप रो रहे हैं? झांसी के होने वाले नरेश की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। हमारे अदब कहाँ है? चिंता मत कीजिए युवराज, हम उन्हें लेने जा रहे हैं। तब कहते हैं वो? उनको कुछ नहीं हुआ है। आपकी आई साहब को कुछ नहीं हुआ है, उन पर कोई संकट आ ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि आपकी आई साहब स्वयं एक संकट मोचन है। अति शीघ्र लेकर आएंगे हम उन्हें। वैसे भी युवराज, बहुत दिनों बाद तात्या को आपके नमक का ऋण चुकाने का मौका मिला है। और युवराज, इन आंसुओं को पहुंच दीजिए। आप एक ऐसी वीरांगना के पुत्र हैं जो स्वयं नहीं रोती बल्कि अपने शत्रुओं को रुलाती है। हे देवा, ये तो महारानी सरकार का घोड़ा है, परंतु वो कहाँ है? की तरफ कूच करो। हे
थैंक गॉड, हमारे प्लान का दूसरा पार्ट भी सक्सेसफुली पूरा हुआ। अतः खान अपनी आर्मी लेके सतिया की तरफ कूच कर चुका है। ओरछा में अब कोई आर्मी नहीं, अब हम झांसी की आर्मी यहाँ पहुंचने का वेट करेगी। लीजिए महारानी साहब, इसे पकड़ लीजिए। हम मर जाएंगे लेकिन उसे हाथ नहीं लगाएंगे। महारानी साहब कृपया हाथ छोड़ दीजिए। नहीं लक्ष्मी भाई, इस दर्द ने हमारी पूर्वजों की जान ही नहीं ली, हमसे हमारी जान ही छीनी है। इस दर्द से केवल आपकी जान बचाने की चेष्टा है हमारी। कृपया इसे पकड़ कर ऊपर आ जाइए, अन्यथा आप नीचे गिर जाएंगी। हमारी बात मान लीजिए, हम जानते हैं आप एक महान योद्धा हैं, और इस समय हमारे देश को आप जैसी महान योद्धा की आवश्यकता है। कृपया फिरंगियों के बहकावे में मत आइए, आपकी मृत्यु से केवल उनको फायदा है, हमें नहीं। आप नहीं जानती, या आपसे आपकी ओरछा भी छीन लेंगे। इसे पकड़िए और ऊपर आ जाइए। लीजिए महारानी साहब, इसे पकड़ लीजिए। हम मर जाएंगे लेकिन उसे हाथ नहीं लगाएंगे। महारानी साहब कृपया हाथ छोड़ दीजिए। नहीं लक्ष्मी भाई, इस दर्द ने हमारी पूर्वजों की जान ही नहीं ली, हमसे हमारी जान ही छीनी है। इस दर्द से केवल आपकी जान बचाने की चेष्टा है हमारी। कृपया इसे पकड़ कर ऊपर आ जाइए, अन्यथा आप नीचे गिर जाएंगी। हमारी बात मान लीजिए, हम जानते हैं आप एक महान योद्धा हैं, और इस समय हमारे देश को आप जैसी महान योद्धा की आवश्यकता है। कृपया फिरंगियों के बहकावे में मत आइए, आपकी मृत्यु से केवल उनको फायदा है, हमें नहीं। आप नहीं जानती, या आपसे आपकी ओरछा भी छीन लेंगे। इसे पकड़िए और ऊपर आ जाइए।
बता, शीघ्र बता, महारानी लक्ष्मीबाई को कहाँ छुपा के रखा, बताओ बता, अन्यथा। अवश्य गहरा रहस्य है तात्या जी, लड़ाई सरकार युद्ध की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी सेना कहाँ है, यहाँ तो बहुत कम सैनिक है। आर्मी अच्छा की आर्मी तो दूर तक चली गई ताकि तुम सब इस सेल में आसानी से आ सके, और तुम सब हमारे पिछाई ट्रैप में फंस गए। वेलकम मिनिस्टर। सेनापति जी, बचा लीजिए सेनापति जी, हम झांसी के नागरिक हैं, हमें यहाँ और समय जबरदस्ती कैद कर रखा है। ठीक है ठीक है, आप सबको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आप ही लोगों को छुड़ाने आए हैं। प्राइम मिनिस्टर और कमांडर ऑफ झांसी ने और छह पर कब्जा कर लिया, तो लड़ाई से डर हुई यही सोचेंगे, फिर क्या में और शाखा ध्वज लहराएगा। गौस खान, अब आप मुक्त हैं, हम आपको बचाने आए हैं। हे भगवान, ये बड़े आश्चर्य की बात है, पता नहीं दोनों महारानियां इधर चली गईं। वो देखिए, उधर से एक घुड़सवार तेजी से आ रहा है। असंभव, क्या रानी लक्ष्मीबाई इस प्रतियोगिता में पराजित हो गई? इतनी जल्दी निराश मत होइए दतिया नरेश, वहां देखिए। महारानी सरकार, Yeah!
तेरा लाख लाख शुक्र है। महारानी सरकार, आप खैरियत से तो हैं? क्यों, हमें क्या हुआ और हमारी सेना लेकर क्यों यहाँ आए? महारानी सरकार, हमें खबर मिली थी कि आपको अगवा कर लिया गया है, आपकी जान को खतरा है। मूर्ख, झूठा संदेशा सुनकर तुम ओरछा की सुरक्षा छोड़कर यहाँ चले आए और वो भी सेना लेकर। अगर इस बीच हमारे शत्रु आपकी एनिमी आर्मी आपकी ओरछा वॉल छोड़कर ओरछा पैलेस पहुंच गई है, झांसी अलोंग विद तात्या ने पूरी बटालियन लेके और छपे अटैक कर दिया यू एक्सलेंसी। तो ये थी तेरी योजना, हमें इस प्रकार उलझा कर हमारे ओरछा पर अधिकार पाने का षड्यंत्र था ये तेरा। एक बार फिर ओरछा की पीठ पर वार किया झांसी ने, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली लक्ष्मी बाई ने। इस जन्म में हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो। यदि ये वार किसी फिरंग ने किया होता तो लक्ष्मी बाई ऐसा करारा जवाब देती कि उन्हें सदियों तक याद रहता। परंतु दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आज अपने ही अपनों पर तलवार उठा रहे और आप इस बात को समझ भी नहीं पा रहे कि ये धूर्त फिरंगी यही चाहते हैं कि हम आपस में ही लड़ मर जाएं। पीठ पर वार करने की प्रवृत्ति हम हिंदुस्तानियों की नहीं, इन धूर्त फिरंगियों की है। एक्सलेंसी, प्लीज ब्लेम मी। हम ब्रिटिशर्स पर ब्लेम करने का क्वीन ऑफ झांसी का पुराना हैबिट है। एंड द एक्चुअल फैक्ट इज दैट किंग गंगाधर की डेथ के बाद वो ओरछा पे कैप्चर करना चाहती हैं और ताकि वो और पावरफुल हो पाए। एंड शी कैन प्रूव अस दैट शी इज द बेस्ट। चुप फिरंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने सत्य कहा है और इसका प्रमाण हमने स्वयं देखा है। ये चाहती तो आज झांसी का ध्वज अकेला लहरा रहा होता, किंतु ओरछा के ध्वज को साथ में लहराकर इन्होंने अपने उदार प्रवृत्ति का प्रमाण दिया है। और जो लोग मित्रता चाहते हैं वो कभी मित्र के साथ छल कपट नहीं करते। इसलिए अब हमारे मन में झांसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं। लक्ष्मीबाई, शत्रुता नहीं मित्रता का अध्याय आरंभ करते हैं। आज आप सबके समक्ष ओरछा की महारानी लड़ई सरकार, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को हम ओरछा आने का सादर निमंत्रण देते हैं, ताकि निवलकर वंश के साथ हमारी दोस्ती एक उदाहरण बने।
और लोगों तक एकता का संदेश पहुंचे कि ये समय एक होने का है और अब हम एक हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।